दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और अभी मैं सोलन के बस स्टॉप पे हूँ। हम कहीं भी जाते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो चीज़ होती है कि हमें रुकना कहाँ है और कितना पैसा लगने वाला है। तो मैं आपको आज बिल्कुल सस्ते में हम कैसे रुक सकते हैं वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखें, चलो शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मंदिर है, पास में बड़ा लाल मंदिर है और ये यहाँ का पूरा और ये धर्मशाला है, शिवदयाल धर्मशाला ट्रस्ट, गंज बाजार सोलन। ये यहाँ पर कमरे हैं। जैसे ये सब किताब यहाँ का दिख रहा है और ये पास में मंदिर है और ये यहाँ से सोलन दिख रहा है। ये ऑफिस है पर अभी भैया नहीं है। ये यहाँ पर डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री में आप एक बेड जो है आपको दिख रहा है, ये बेड 170 रुपये का आपको मिल जाता है। रूम जो है वो 230 रुपये का है, आप रूम भी ले सकते हैं और ये बेड भी आप ले सकते हैं, आप चाहिए तो 70 रुपये में। तो एक दूसरा हॉल है, उसमें 30 रुपये में नीचे बिछाने के लिए चटाई दी जाती है और आप 30 रुपये में भी रह सकते हैं। तो इससे सस्ता मैं समझता हूँ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप आते हैं तो ज़रूर इस धर्मशाला में आप आ सकते हैं और यहाँ भैया जो बैठते हैं उनसे मिल सकते हैं। अभी भैया नहीं है, नहीं तो मैं आपको मिला देता था। ये धर्मशाला बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही है, 5 मिनट की वॉकिंग पे आपको ये धर्मशाला मिल जाती है। और यहाँ से जैसे आप आएंगे तो ये यहाँ का ये आप चौक देख लीजिए, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। तो वहाँ किसी को भी यदि पूछते हैं कि धर्मशाला कहाँ है तो कोई भी आपको बता सकता है। बस स्टैंड के पास में सामने छोटा मार्केट है, उस मार्केट के अंदर से होते हुए आप यहाँ आ सकते हैं। ये मंदिर से चलते हैं तो ये सामने चौक आ जाता है। ये यहाँ पर ये चौक है और इधर से ये रास्ता बस स्टैंड से आता है और हमें इधर जाना होता है धर्मशाला के लिए। मैं आपको बस स्टैंड दिखा देता हूँ कहाँ है बस स्टैंड। ये सामने बस स्टैंड है, यहाँ देखिए ये नया सिस्टम लगा रखा है, लॉक लगा रखे हैं, यहाँ से कोई बाइक वगैरह या कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाए। और ये माल रोड है, माल रोड का ये बस स्टॉप है जहाँ से बसें चलती हैं और हमें इसमें जाना है, इस मार्केट में जाना है। ये सामने मार्केट है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यदि आपको अच्छा लगता है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।